माननीय मुख्यमंत्री दूरदृष्टि एवं दिग्दर्शन रे आज ए भव्य अनुष्ठान संभव हो पारी। गत 25 वर्षर दीर्घ जनसेवा काल रे से सबुदिने कृषक एवं नारी प्रगति तथा सशक्तिकरण बार्ता दे आई दुईट वर्गर उन्नति पर व्यक्तिगत अवदान कहीं अस्वीकार करें। कृषि तथा आनुषंगिक क्षेत्र में ओडिशा आज सर्वभारतीय स्तर में निजपाई एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करेकोसी बृहत्तर आकांक्षा लगी सर्वप्रथम गोटे विजन वीक्षण शक्ति आवश्यकता रही। लक्ष्य स्थल निर्धारण कले ही गंतव्य पथ निर्धारित कराए। आम समस्त जाचु ओडिशा कृषि प्रधान कृषि केंद्रिक एवं कृषक संबल राज्य। किंतु प्रश्न है आम जदि 2036 ओडिशा रो कल्पना करिबा तेबे कृषि क्षेत्र में आमर अभिलाष आमर आकांक्षा आमर आम्बिशन कौन रहिबो। आमे कौन 10 वर्ष रे 2 गुण 5 गुण बा 10 गुण अभिवृद्धि करिबा जातीय नुह अंतर्जातीय स्तर रे परिचित हबा। एही अभिलाष आकांक्षा नहीं आगामी दशंधिर गोटे विजन बा लक्ष्य स्थिर करिबा मात्रक आमे जानी पारिबा आमर केतिकी मानव संबल दरकार एवं केउ मानर मानव संबल दरकार। 2036 परिकल्पित कृषि विकसित ओडिशा कथा भाविले मन को आसे जे कृषि संपर्कित वृत्ति पाई आमको अंततः 15 लक्ष कृषक तथा कृषि भित्तिक मानव संबल को एक मिशन मोड रे प्रस्तुत करिवा को पड़िबो। एथिरे केवल कृषि नुहे प्रत्येक विभाग को कृषि विभाग सांगरे जोड़िवा को पड़िबो। कृषि विभाग नेतृत्व में प्रत्येक विभाग संपूर्ण सहभागितार आवश्यकता रही। दक्षता विकास क्षेत्र में जितेबले कौन सी परामर्श आलोचना हुए आमे साधारणतः कल कारखाना कथा भावी थाउ किंतु सारा विश्व में आगामी दिन मानक विज्ञान प्रजुक्तिविद्या कृषि सम्मिश्रण से मानव भविष्य पर जो संभावनामय चर्चा चली दक्षता विकास एक केन्द्र भूमिका ग्रहण कर। कृषि कृषि उपकरण कृषि साधन ठारु आरंभ करी जैविक उपाय अमल कृषि एवं पर्यावरण जेनेटिक्स ठारु आरंभ करी ड्रोन रो व्यवहार पर्यंत एक अभूतपूर्व वैप्लविक परिवर्तन रो सूत्रपात होई। एही परिप्रेक्षी रे ओडिशा रो कृषि एवं कृषि सशक्तिकरण को आखिरे रखी दक्षता विकास कार्यक्रम जरिया रे आमे ओडिशा को एक अग्रगामी राज्य हिसाब से ठिया करि परिबु। आज जपरी स्किल्ड इन ओडिशा को गोटे ब्रांड बोली ग्रहण करा जाउची आगामी दशंधि ग्रोन इन ओडिशा बोली गोटे ब्रांड तैयारी करने को पड़ो। माननीय मुख्यमंत्री परिकल्पना रे ओडिशा रो विश्व दक्षता केन्द्र बा वर्ल्ड स्किल सेंटर स्थापित होई। ठीक यही ढांचा रे आमको एक कृषि भित्तिक वर्ल्ड स्किल सेंटर गठन करिया को पड़िबो जोठी आमर कृषक एवं कृषि संबलित विभिन्न क्षेत्र व्यक्ति मानंकु विश्वस्तरीय तालीम दिया जाई परिबो। एही प्रसंग रे दक्षता विकास विभाग एवं कृषि विभाग अधिकारी मानंकर मिलित आलोचना आरंभ करा जायछि एवं खूब शीघ्र सरकार को सविशेष विवरणी प्रदान करा जिवो। बंधुगण एही परिकल्पना समस्या रो नुह संभावनामय दृष्टिकोण रु तयारी करा जिवो। आज स्मार्टफोन जरिया रे आमे जने चासिंग को डिजिटल सक्षम कर देउछु। 2036 ओडिशा रे कृषक भौणी और भाई माने केवल डिजिटल हेबे नाही सेमाने टेक साभी मध्य हेबे। सेमाने स्मार्टफोन केवल नुह ड्रोन टेक्नोलॉजी को अख्तियार करिवे किंतु कृषि भित्तिक दक्षता विकास केवल गोटे वर्ल्ड स्किल सेंटर जरिया रे होई पारिबो नाही। संपूर्ण रूपांतरण पई ओडिशा रो 32 टी केभीके देशर श्रेष्ठ केभीके मानको भितरु हेबा दरकार। एबे कथा हबा कृषि उद्योग विषय रे। कृषि मध्य एक व्यवसाय एवं प्रत्येक कृषक मध्य रे रिस्क टेकिंग बा अनिश्चितता संगरे लड़िबार क्षमता एक साधारण व्यवसाय ठारु अनेक मात्रा रे अधिक। प्रत्येक कृषक को स्वावलंबी उद्योगी करिबा को हेले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बा उद्योग विकास रो परिभाषा सिखाइबा को पड़िबो। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सहित तांको ग्लोबल एक्सपोजर देवा को पड़िबो। 2016 रे आमे जेतबेले दक्षता विकास क्षेत्र रे आईटीआई रो रूपांतर परिकल्पना करथिलु माननीय मुख्यमंत्री निर्देश रे 215 जन आईटीआई ओ पॉलिटेक्निक शिक्षक को सिंगापुर पठाइथिला। आज समय आसी आगामी 10 वर्ष रे 10,000 ओडिया कृषक को विश्वर अग्रगामी देशर कृषि क्षेत्र रे बेस्ट प्रैक्टिस अनुध्यान करिया पई आमको पठाइबा को पड़िबो।
ओडिशा कृषि क्षेत्र में वैप्लविक संभावनार समय आसी दक्षता विकास एथेर गुरुत्वपूर्ण भाग दबो तेबे कृषक भौणी और भाई मान दक्षता विकास जड़ित प्रत्येक सरकारी एवं अण सरकारी संस्था मानू निजर अंतर्दृष्टि एवं बहिदृष्टि बा आउटलुक रे परिवर्तन आणिबाकु पड़िबो। आज एनजीओ मानकर बदलिबार समय आसी जाइछि। जो मनीषटी को आपण गाँवरु सहर बजार पर्यंत आनी मनीषटी आज विश्व दरबार देखा चाहूँगी एवं आज सीमित समय मध्य निजर वक्तव्य शेष करने आगु आपन को टिके कोविड महामारी कथा कहवाक चाहूँ। दीर्घ दुई वर्ष रु अधिक युद्ध में देशवासी को अनाहारु आम कृषक भौणी भाई माने बंचाई आपण मानी राज्यर कृषकों पर जगन्नाथं भोग उठी साधारण मनीष को लॉकडाउन शटडाउन भितर भी दुई ओली खाइबाक आमे जाति तरफ आपन को कृतज्ञता ज्ञापन करुछु। बंधुगण अनाहार ओडिशा एवं भारत भूमि रे आहारर भंडार रे पाल्टी जाइछ। एही परिवर्तन पछरे माननीय मुख्यमंत्री दूरदृष्टि थिला प्रशासन रो निरंतर प्रयास थिला एवं सर्वोपरि चासी भौणी भाई मानंकर आत्मविश्वास थिला एवं कठिन परिश्रम थिला। गत 25 वर्ष रे गढ़ी उठिथिबा ओडिशार कृषि विप्लव रे आपण माने हेले प्रकृत संग्रामी। आगामी दिन मानकरे आपणों पर आमर अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना रहिला। निरापद रहिबे सुस्थ रहिबे। धन्यवाद। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी।